हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज होने वाला है क्यू एंड ए, और आपके जो भी डाउट्स हैं क्लिंडामाइसिन जेल से रिलेटेड वो आज सारे क्लियर हो जाएंगे। और उस वीडियो पे बहुत सारे लोग बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट हैं लोगों को, और एक अलग से सेपरेट वीडियो करना चाहिए जिससे कि सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक्ने की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जो क्लिंडामाइसिन जेल होती है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक ट्रीटमेंट है जो कि एक्ने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज के वीडियो में जो भी डाउट्स हैं आपके वो सारे मैं क्लियर करूँगी। बहुत सारे कॉमेंट का रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो आज आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट जो कमेंट था वो ये कि कौन कौन वीडियो देखने से पहले कमेंट पढ़ता है। तो जब भी आप इस टाइप के ट्रीटमेंट यूज़ करते हो, प्रोडक्ट यूज़ करते हो जिसके बारे में बताया गया है, तो अगर आपने यूज़ किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो, जिससे कि सारे लोगों को हेल्प मिल जाती है, पता चल जाता है कि ये इफ़ेक्टिव क्रीम है या नहीं, या जो भी नॉलेज दी जा रही है वो सही है या नहीं। तो बिल्कुल कमेंट तो किया करो, आपका जो भी नेगेटिव पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कि क्लिंडामाइसिन जेल को स्किन केयर रूटीन में कहाँ इंक्लूड करना चाहिए, मतलब सीरम पहले लगाना चाहिए या मॉइस्चराइज़र पहले लगाना चाहिए, या ये क्लिंडामाइसिन लगाना चाहिए, कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, जब भी आप इस टाइप के ट्रीटमेंट यूज़ करते हो तब आपको ये पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब एक बार आपके पिंपल ठीक हो जाएँ या जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, इसके बाद ये सारा स्किन केयर रूटीन फॉलो करो। जब आप ये जेल यूज़ करते हो तो उसके बाद में आपको सीरम वगैरह लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ड्राइनेस लगती है इस जेल को लगाने के बाद, तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ सीरम की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, इसके बाद टोनर यूज़ कर सकते हैं। टोनर जब अच्छे से ड्राई हो जाए, बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाए, तब आप ये क्लिंडामाइसिन जेल यूज़ कीजिए। ऐसे जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिन में लगा सकते हैं क्या? तो ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको दिन में लगा सकते हैं या नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे डॉक्टर ने इसको दिन में लगाने को कहा है, तो क्या इसको दिन में लगाना चाहिए? तो आप बिल्कुल दिन में लगा सकते हैं, पर अगर आप इसको दिन में लगाते हैं और तेज़ धूप में चले जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं इसको धूप में लगा के निकला तो मेरी स्किन झुलस गई, स्किन काली पड़ गई, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो जाएंगे अगर आप दिन में लगाते हो और ऊपर सनस्क्रीन नहीं लगाते हो। और सनस्क्रीन आप बहुत तेज़ धूप में जा रहे हैं, सनस्क्रीन सिर्फ एक बार अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत लंबे टाइम तक वो काम नहीं करती है, तो सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे बेटर है, मैं कहूँगी सिर्फ इसको रात में लगाओ, क्योंकि दिन में लगाने से आपकी रिस्क ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ आप इसको नाइट में यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं दिन में भी यूज़ करना है, तो आप उनसे बोलो कि मुझे कौन सा सनस्क्रीन लगाना चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर मैं इसको दिन में यूज़ करती हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको ऑनलाइन कहाँ से बाय करें? तो देखिए, पहली बात तो ये ऑफलाइन ईज़िली मिल जाती है, ईज़िली कहीं भी ऑफलाइन आपको किसी भी फार्मेसी में मिल जाएगी। अगर उनके पास स्टॉक नहीं होता है तो वो मंगवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो मेडिप्लस से, प्रैक्टो ऐप से आप इसको परचेस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है कि इसको लगाने के कितने देर बाद फेस वॉश करना है? तो देखिए, अगर आप उसको एक दो घंटे में ही फेस वॉश कर देंगे तो इसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसको लगाने का सही तरीका ये है कि आप इसको नाइट में लगाइए और ओवरनाइट लगा के रखिए, फिर आप सुबह फेस वॉश कर सकते हैं। पर अगर आप इसको एक दो घंटे के लिए यूज़ करेंगे तो उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसको लगाने से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कम होंगे क्या? तो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो पहले से हैं वो तो नहीं रिमूव हो सकते जेल को लगाने के बाद, पर हाँ, आपको ये जेल लगाने से आगे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जो पहले से हैं वो रिमूव नहीं होंगे, वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे, और या फिर और कोई सी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेंगी उनको रिमूव करने के लिए। क्या इसको लगाने से स्किन डार्क हो जाती है?
तो इसको लगाने से कोई स्किन डार्क वार्क नहीं होती है। आप इसको दिन में लगाओगे, धूप में जाओगे तो चांसेस हैं कि डार्क हो जाएगी, नहीं तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ और नहीं होता, इससे स्किन डार्क नहीं होती है। बस आप इसको सही तरीके से लगाइए। जो क्वेश्चन है, इस जेल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? तो देखो, इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं नहीं, पर अगर आपकी स्किन पे इसको लगाने के बाद इचिंग होती है, बर्निंग होती है, रेडनेस होती है, तो इसको लगाना बंद कर दीजिए। जो एक नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट है जो कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट में होता है, वो है ड्राइनेस। तो इसको लगाने के बाद भी ड्राइनेस हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। मेरी ऑयली स्किन है, मुझे इतनी ड्राइनेस नहीं होती है इसको लगाने के बाद, पर अगर आपकी ड्राई स्किन है तो हो सकता है आपको इसको लगाने के बाद थोड़ी सी और ज़्यादा ड्राइनेस हो जाए। फिर आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। कितना टाइम लगेगा? तो यार देखो, मुझसे पूछोगे तो मुझे 1 वीक में डिफरेंस नज़र आ जाता है, पर हर किसी की स्किन अलग होती है। कुछ लोगों को 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, 1 महीना लग सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सूट भी नहीं करती है। तो ये आपकी स्किन पर डिपेंड करता है, पर अगर आपकी स्किन को ये सूट कर रहा है तो आपको 15 दिन में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों की स्किन पे इसको लगाने के बाद पिंपल बढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट ठीक हो जाते हैं। पर कुछ लोगों की स्किन पे क्या होता है, जब आप एक क्रीम ये जेल यूज़ करोगे तो पिंपल बढ़ जाएंगे और ज़्यादा दिखाई देंगे, और फिर वो धीरे धीरे ठीक होंगे। तो ये आपकी स्किन पर डिपेंड करता है किस टाइप से ये क्रीम काम करेगी। नेक्स्ट है, पूरे फेस पर लगाना है या पिंपल पर? तो ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा था। तो मैं देखो पूरे फेस पे लगाती हूँ और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने जब पूरे फेस पे लगाया तो उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई और बहुत प्रॉब्लम हुई। तो आप क्या करो, पहले एक बार लगा के देख लो। अगर आप पूरे फेस पे लगाते हो, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो सिर्फ आपको पिंपल पे लगाना है। और अगर आपको छोटे छोटे दाने हैं, जैसे मुझे कई बार ना इधर इधर बहुत छोटे छोटे दाने रहते हैं, इसलिए मैं पूरे फेस पे लगाना पसंद करती हूँ। तो ये भी आपको अपने तरीके से, आप ये देखो कि आपकी स्किन को कैसे सूट कर रहा है, आप उस तरीके से लगाइए। स्टार्टिंग में आप सिर्फ पिंपल पर ही लगाओ, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस नज़र आ रही है तो सिर्फ पिंपल पे ही कंटिन्यू कीजिए, और नहीं हो रही है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा तो आप उसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, जिससे क्या होगा, जो छोटे छोटे दाने हैं रहते हैं कॉर्नर्स पे, वो सारे भी ठीक हो जाते हैं। तिल को ठीक करता है या नहीं? देखो, तिल हुए, मोल्स हुए, इनको ये ठीक नहीं करता है, इन पर कोई भी काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हैं, इससे ठीक होंगे क्या या नहीं? तो ये तो मतलब बहुत सारे रोज़ एक दो कमेंट होते ही हैं कि इससे दाग धब्बे ठीक होंगे या नहीं, दाग धब्बे ठीक होंगे या नहीं। इस जेल को लगाने से स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन ठीक नहीं होती है। और जो पहले से अगर आपको पुराने दाग धब्बे हैं उन पे तो ये बिल्कुल काम नहीं करता, पर कुछ लोग कहते हैं कि इसके लगाने के बाद उनको उनके जो दाग धब्बे हैं वो भी ठीक हो गए। तो ये भी स्किन पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये, जब आप इसको लगाते हो ना तो आपके दाग धब्बे होने नहीं देता, पुराने स्पॉट्स पे काम ना करे पर नए स्पॉट से नहीं होने देगा। और पर ये स्पेशली स्कार्स के लिए, पिगमेंटेशन के लिए ये जेल नहीं है। छाइयाँ ठीक होती हैं क्या? नहीं, छाइयाँ ठीक नहीं होती इसको लगाने के बाद। मुझे इसको लगाने के बाद ईचिंग हो रही है, क्या इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? इसको लगाने के बाद अगर आपको रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो बिल्कुल आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, ये आपको सूट नहीं कर रही है। सेंसिटिव स्किन यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं या नहीं, तो बिल्कुल सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पहले पेस्ट टेस्ट करके देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू करना, क्योंकि क्या होता है, सेंसिटिव स्किन पे कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए पहले पेस्ट टेस्ट करो फिर इसको यूज़ करो। मेरे फेस के पिंपल जो आ रहे हैं पर दाग रह गए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि जब वो इसको यूज़ करते हैं तो उनके पिंपल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं पर दाग रह जाते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों की स्किन पे स्कार्स को ठीक करती भी नहीं है। तो जो आपके एक बार जब पूरे पिंपल ठीक हो जाएं, आपका चेहरा बिल्कुल पिंपल फ्री हो जाए, फिर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले सकते हो, ऐसी क्रीम यूज़ कर सकते हो जो दाग धब्बों पर काम करे। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए,
उसमें आपको कई ऐसे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्किन से स्पॉट्स रिमूव करने में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हैंड्स पर दाने हैं क्या उस इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, हैंड्स पर आपको पिंपल तो होंगे नहीं, एक्ने तो होंगे नहीं, हो सकता है कोई और इन्फेक्शन हो, तो इसको हैंड्स पे कहीं भी हाथ पैर में यूज़ नहीं करो, सिर्फ ये फेस के लिए है। फिर एक और ये जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, इसके पैकेजिंग में कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं की जा सकती, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। पर अगर आप प्रेग्नेंट हैं, इस क्रीम को यूज़ करना चाहती हैं, तो आप अपने डॉक्टर को एक बार बता दीजिए कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो जो ये सारे क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे गए, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्या ये दाग धब्बों को, डार्क स्पॉट्स को दूर करेगा, तो नहीं करता है, दाग धब्बों को दूर नहीं करता है। और मैं कहूँगी आप इसको अपने एक्ने को दूर करने के लिए यूज़ कीजिए। जब आपके एक्ने दूर हो जाएं, फिर आपकी जो आगे की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, उनको दूर करने के लिए आप चीज़ें यूज़ कीजिए। क्योंकि आप एक बार में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले एक प्रॉब्लम को दूर करो, फिर दूसरी प्रॉब्लम को दूर करो। एक दो लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बेंजल परऑक्साइड और क्लिंडामाइसिन दोनों को मिक्स करके यूज़ करने के लिए कहा। तो आप अगर ऐसे केसेस में आपको, जिसने भी आपको ये सजेस्ट किया है, उनसे पूछना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी मुझे मिक्स करनी है। क्योंकि मार्केट में आपको कुछ ऐसे भी क्रीम्स मिल जाएंगे जो कि इन दोनों का मिक्सचर है, तो बेटर है कि आप जो ऑलरेडी मिक्सचर आता है इन दोनों का, उसको यूज़ करें, अलग से मिक्स करके यूज़ ना करें। मैं कुछ ऑप्शंस दे दूँगी जिनमें बेंजल परऑक्साइड और क्लिंडामाइसिन का मिक्सचर होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये जो क्लिंडामाइसिन होती है, ये माइल्ड एक्ने पे ज़्यादातर काम करती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तब बेंजल परऑक्साइड बहुत अच्छे से काम करती है। तो अगर आपको माइल्ड एक्ने हुए हैं तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। आई होप आज सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, उनका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है, परेशान है लोग, उनको आप शेयर कर सकते हो। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।